नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। पंजाब पुलिस ने कहा है कि मोहाली स्थित पुलिस के खुफिया विभाग के मुख्यालय पर हुए रॉकेट चालित ग्रेनेड हमले के संबंध में उसे कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं और वह जल्द ही इस मामले को सुलझा लेगी। पुलिस महानिदेशक वीके भावरा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि एक विस्फोटक पुलिस के खुफिया इकाई के मुख्यालय की इमारत से टकराया था और ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें TNT का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मामले पर कहा है कि राज्य में माहौल खराब करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने धमाके को कायराना कृत्य करार देते हुए कहा है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ की समस्या से सख्ती से निपटने के लिए जहां भाजपा के नेतृत्व वाली असम सरकार की प्रशंसा की, वहीं आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार इस समस्या से निपटने में केंद्र का सहयोग नहीं कर रही है। असम में हिमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व वाली NDA सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुसपैठ की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमित शाह ने साथ ही उम्मीद जताई कि जल्द ही पूरे असम से आफ्सपा को हटा दिया जाएगा, क्योंकि बेहतर कानून व्यवस्था और उग्रवादी संगठनों के साथ शांति समझौते के कारण पहले ही राज्य से इसे आंशिक रूप से हटा दिया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस साल के आखिर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की उम्मीद जताते हुए कहा है कि उनकी पार्टी की सरकार बनने के बाद नया गुजरात बनाना है, जहां आदिवासियों समेत सभी वर्गों का सम्मान होगा तथा लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने दाहोद में आदिवासी सत्याग्रह रैली में यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो हिंदुस्तान बना दिए हैं, एक अमीरों के लिए है और दूसरा जनता के लिए है। दूसरी ओर अतिक्रमण रोधी अभियान को अंजाम देने के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अधिकारी बुलडोजर के साथ मंगलवार को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में गुरुद्वारा रोड पर पहुंचे और अवैध अस्थायी निर्माण को हटा दिया। हम आपको याद दिला दें कि नगर निगम के अधिकारी सोमवार को शाहीन बाग भी पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय लोगों तथा राजनेताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद वे बिना कोई कार्रवाई किए ही लौट गए थे। इसके अलावा आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने भी मंगोलपुरी के एक इलाके में अतिक्रमण रोधी अभियान को चलाया। दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि राजद्रोह के संबंध में औपनिवेशिक युग के कानून पर किसी उपयुक्त मंच द्वारा पुनर्विचार किए जाने तक नागरिकों के हितों की सुरक्षा के मुद्दे पर वह अपने विचारों से अवगत कराए। प्रधान न्यायाधीश NV रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र की उन दलीलों पर गौर किया जिनमें कहा गया है कि उसने एक उपयुक्त मंच द्वारा राजद्रोह कानून की पुनः जांच और पुनर्विचार कराने का फैसला किया है। पीठ ने इस सुझाव पर भी केंद्र से प्रतिक्रिया देने को कहा है कि क्या पुनर्विचार होने तक भविष्य में राजद्रोह के मामलों के दाखिल करने पर अस्थायी रोक लगाई जाए। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि वह इस संबंध में सरकार से निर्देश लेंगे और बुधवार को इससे पीठ को अवगत कराएंगे। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान असानी पूर्वी तट के पास पहुंच गया है और इसके धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। हालांकि चक्रवात के कारण 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि चक्रवात सोमवार को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, उसकी रफ्तार अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। यह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से करीब 300 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और ओडिशा के गोपालपुर से 510 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित है। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि मंगलवार रात उसके फिर जोर पकड़ने और उत्तर पूर्व दिशा में तट के समानांतर चलने की उम्मीद है। दूसरी ओर एक दक्षिणपंथी समूह के सदस्यों ने आज कुतुब मीनार परिसर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया तथा स्मारक का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ किए जाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि कम से कम 30 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और उन्हें एक थाने ले जाया गया, जहां उन्हें रिहा कर दिया गया। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भगवान गोयल ने दावा किया है कि कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है जिसे महान राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। दूसरी ओर श्रीलंका में सरकार समर्थकों और विरोधियों के बीच हुए झड़प में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर मंगलवार को 8 हो गई तथा 200 से अधिक लोग घायल हो गए। देश में आर्थिक संकट के कारण भोजन, ईंधन और ऊर्जा की भारी कमी पैदा होने के बीच सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के समर्थकों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद श्रीलंका में हिंसा भड़क गई। वर्ष 1948 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद श्रीलंका अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। दूसरी ओर गोवा के खेल मंत्री गोविंद गावड़े ने कहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में खेल रहे प्रदेश के खिलाड़ियों को आरक्षित कोटे के तहत सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि सभी विभागों से खिलाड़ियों को आरक्षित कोटे के तहत नियुक्त करने के लिए कहा जाएगा, ताकि अधिक से अधिक युवा खेलों की ओर आकर्षित हों। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल खेलो इंडिया और फिट इंडिया से युवा पीढ़ी प्रेरित हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार एक खेल अकादमी बनाने पर भी काम कर रही है।
दूसरी ओर उतार चढ़ाव भरे कारोबार में स्थानीय शेयर बाजार मंगलवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में जहां 106 अंक की गिरावट आई, वहीं निफ्टी 61.80 अंक टूट गया। विश्लेषकों के मुताबिक अमेरिकी बाजारों के साल के सबसे निचले स्तर पर रहने और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से घरेलू बाजार पर दबाव देखा गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।